हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? सो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार का, तारीख है 29 अगस्त। टाइम हो रहा है सुबह के करीब, बज रहे हैं 12:45। सो फ्रेंड्स, 12:45 का टाइम हो गया। बस मैंने सर में लगा ली है मेहंदी, ये देखिए पूरे में अच्छे से जो है ना मेहंदी कवर अप करके लगाई है, जूड़े वाली मेहंदी लगाई है, जूड़ा है ना। तो आज जो है ना मैंने मेहंदी जो है ना किसी से लगवाई है, तो इसीलिए ब्लॉग में आप सबको दिखाया नहीं था। यूजुअली मैं मेहंदी खुद लगा लेती हूँ, तब मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो बस इसीलिए ना आज मैंने मेहंदी खुद लगाई, खुद नहीं लगाई, तो बस किसी से लगाई थी मैंने 10 बजे करीब। और अब तो इसे 2 घंटे होने को आ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है ना गिल्ली है, बहुत गिल्ली है, बहुत ज़्यादा। धूप में बैठूंगी तो इसका कलर जो है ना उड़ी जाएगा। तो बस जब तक मेहंदी सूखी ना, उस बीच मैंने सिलाई कर ली थी यहाँ पर। ये देखो ये कपड़े पड़े, ये जो सूट है ना ये वाला, ये कम्प्लीट हो गया है। रात को कटिंग की थी और ये कल ही अर्जेंट वाला सूट आया था ना, तो बस मैंने इसको कम्प्लीट कर दिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है, बस इसकी तुपाई वगैरह जो फिनिशिंग वर्क है ना वो रह गया, तो वो करना है मुझे। और वो मैं शायद बाहर ही भेज दूँगी, क्योंकि अब तो करूँगी नहीं इसको। और सिलाई करने से ना, मतलब रात को भी 9-10 बजे तक सिलाई करी, तो पैरों में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल बहुत हो गए मेरे। तो उससे पहले जो है ना खाना बना लेती हूँ, क्योंकि उर्वी के पापा गए नहीं हैं, घर पर ही हैं आज। बस पहले खाने की तैयारी कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना देखेंगे जो कुछ क्या करना है। तो फिलहाल तो खाने में बच्चे तो चले गए हैं, स्कूल चले गए थे, अब उनको आने का टाइम है। तो सुबह उनको मैक्रोनी वगैरह बनाकर दे दी थी उनके टिफ़िन के लिए, तो अभी तो आकर वो खाना खाएंगे। तो सब्ज़ी वगैरह खाने का मेरा तो मन है नहीं, तो मैं बनाऊंगी सिलबट्टे वाली चटनी आज। तो सिलबट्टे वाली चटनी बहुत टेस्टी लगती है, आपको पता ही है मैं बहुत बनाऊँगी। सो जी, यहाँ पर हो गई है चटनी की तैयारी। तो ये देखिए, यहाँ पर मिर्ची ली है, लहसुन लिया है और टमाटर भी लिए हैं। तीनों चीज़ें मैंने अच्छे से चॉप कर ली हैं, और मिर्ची को जो है ना काटा नहीं है, बस यहाँ पर इसके डंठल वगैरह तोड़कर इसको साइड में रख दिया। और लहसुन की 4-5 कलियाँ मैंने ली हैं, उनको अच्छे से छीलकर कट कर लिया है छोटे छोटे हिस्सों में। इधर 1 से 1.5 टमाटर लिया है मैंने, एक आधा रखा हुआ था और एक पूरा टमाटर था वो मैंने ले लिया। तो जी, सबसे पहले यहाँ पर जो है ना मिर्ची ली है, उसमें जो है ना डालेंगे नमक। तो नमक जो है ना थोड़ा ठीक ठाक सा डालना है, क्योंकि मिर्ची तेज़ ना लगे, उस हिसाब से जो है ना नमक इस हिसाब से आपको डालना है। तो जी, जब तक मिर्ची अच्छे से ना पिस जाए ना, उसके बाद ही लहसुन इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए मिर्ची के भी बीज निकल गए हैं, बहुत अच्छे से पिस गई है। उसके बाद यहाँ पर इसमें लहसुन डाल दिया और टमाटर भी साथ के साथ ही ऐड कर दिए हैं। तो जी, यहाँ पर तैयार हो गई है चटनी। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से पीस लिया, उसके बाद जो है ना फ्राई पैन में ले लिया है एक सरसों का तेल, और उसके बाद जो है ना चटनी को जो है ना छोक दिया, फ्राई कर दिया। अच्छा, चटनी फ्राई करने के बाद बहुत टेस्टी लगती है, बगैर फ्राई के तो ना इतना टेस्ट नहीं आता। तो जी, यहाँ पर हमारा खाना तैयार हो गया है आज का। यहाँ पर है चटनी है, दही है, खीरे हैं, रोटी है। तो यहाँ पर हमारा आज का लंच यही होगा। सब्जी वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाई है, तो यहाँ पर जो है ना हम लोग खा लेते हैं इस सबसे भी। और चटनी सच बताऊँ तो ये वाली बहुत टेस्टी लगती है, इस चटनी से ना अलग ही टेस्ट आता है, सब्ज़ी वगैरह से ना बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। तो जी, यहाँ पर हम लोगों ने तो खाना बस खाना शुरू ही कर दिया है। बच्चे अभी आ ही रहे हैं, काव्या तो आ गई है, उर्वी अभी तक नहीं आई है, उर्वी आने वाली है। तो बस हम यहाँ पर खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद मुझे करने हैं बाकी के काम। क्या कर रहे हो? मेहंदी लगा रहे हो? काव्या के मेहंदी लग रही है, देखो इनके पापा लगा रहे हैं। जो मैंने सर में लगाई है ना वो बची पड़ी है, तो वो मेहंदी लगा रही है। देखो काव्या कैसी लग रही है, अच्छी कितनी गुजोरी है देखो। और सर में तेल भी नहीं मिलाया मैडम ने अभी। इतनी मोटी मोटी मेहंदी क्यों लगा रहे हो? पतली पतली दूसरी तरफ से लगाते, उधर से पतली होती। एक्सपीरियंस है, पार्लर का सीख रखा है क्या मेहंदी में? ये देखो भाई मेहंदी लग रही है, आ जाओ जी, जिसको लगवानी है रक्षाबंधन के लिए आ रहे हैं ये। और फ्रेंड्स, इधर आज धैर्य के टाके आज कट गए हैं, तो अभी जो है ना डॉक्टर ने बोला है अभी इसको नहलाना नहीं है। तो अभी मतलब जख्म है, जो टाके निकले हैं ना उनमें से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा जख्म है, तो इसीलिए अभी बस सिर्फ ट्यूब वगैरह लगाई थी बेटा। तो इधर इसमें बेटाडीन लगा रखी है मैंने, और हर मिनट में मतलब जो छूटने के बाद हर घंटे में लगानी है बेटाडीन, तभी ये ठीक होगा। और टाके जो है ना निकल गए हैं, लेकिन नहलाना अभी है नहीं सर। सो वहाँ देखो, जब पूरी मेहंदी हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। डिज़ाइन तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, तो पता नहीं है। सो उर्वी अभी आई नहीं है, 1:30 बज गया लेकिन अभी तक नहीं आई। तो
तैयारी है। देखो मेहंदी देखो कितनी बढ़िया लगाई है, दिखाइयो ऐसे करके। अरे वाह बहुत सुंदर, वो भी माचिस की तीली से लगाई है इसने इन्होंने मेहंदी। देखो इनको कितनी अच्छी लगाई, खुश कितने हो रहे हैं, दिखाइए सकल दिखाइए। दिखाना इधर, हेलो हेलो, मम्मी इधर आके देख लो। तो देख शर्मा गए, शर्मा गए, शर्मा गए। पॉपकॉर्न है, गर्मा गर्म पॉपकॉर्न बनाया भाई, देख लो। सर तो धो लिया मैंने, मेहंदी धो ली और लग रहा है कि बहुत अच्छे से ना रच गई है, काफी अच्छे से बाल हो गए हैं। मतलब जिसने भी मेहंदी लगाई थी ना बहुत अच्छी लगाई थी, एक एक बाल में लगाई और बाल जो है ना काफी अच्छे हो गए। तो अभी जो है ना मैंने थोड़ा सा एलोवेरा लिया है और इसको अच्छे से छील लिया है, इसका एक फाइन सा पेस्ट बना दिया। और मतलब एलोवेरा पर लगाया हुआ है ना गमले में, तो उस एलोवेरा को मैं यहाँ लगाने वाली हूँ सर में। इससे क्या होगा कि बाल बहुत सिल्की हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। बस इसीलिए ना उसको लगाने वाली हूँ, उसको एक घंटे करीब रखूँगी। अभी करीब बज रहे हैं 3, तो 4 बजे उसको धो दूँगी बस सर में जो है ना। लेकिन लगाए तो ये जा रहे हैं ट्यूशन, इनका टाइम हो गया 3 बज गए, तो ट्यूशन जा रहे हैं। बाय बोलो भाई। नमस्ते। मेहंदी में ना कुछ नहीं मिलाया था ना मैंने, तो इसलिए अब बाद में लगा रही हूँ एलोवेरा को। और जिन्होंने मेहंदी लगाई थी वो पार्लर सीखती हैं, उन्होंने पार्लर सीखा हुआ है, तो वो बता रही थी कि एलोवेरा लगा लेना बाद में, उससे बाल जो है बहुत सॉफ्ट, बहुत सिल्की और बहुत शाइनी हो जाएंगे। तो बस इसीलिए जो लगा रही हूँ इसको एलोवेरा जूस। देखो ये एलोवेरा का ना अच्छा खासा पेस्ट बना लिया, अब ये सर में लगेगा ना तेल की तरह, तो बहुत अच्छे। सो फ्रेंड्स फाइनली 8 बज गए हैं, अभी जो है ना बस हमने खाना वगैरह खा लिया। खाने में बनाए थे बस चने की दाल के चावल और बस ये बनाए थे और खा लिए हैं। सबने खाना खा चुके हैं, हम सब भी। बस अभी जो है ना लास्ट काम बचा है, क्योंकि कल राखी है तो एक लास्ट काम बचा हुआ है। बस राखी मतलब हाथों में मेहंदी रह गई है, क्योंकि लास्ट काम यही बचा था। सारा काम ख़त्म, मैंने यहाँ पे बेडशीट वगैरह भी दोबारा से नहीं बिछा दिया, सारी बेडशीट वगैरह सब धो दिए नहीं। और मानसी आई हैं आज, मानसी हेलो बोलो। हेलो। मानसी आई है, हमारी भांजी हैं और हमारी ननद की बेटी हैं ये। और कितने साल की हो? 10 साल। 11वीं में चल रही हैं ये, 10 साल की। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4th में पढ़ती हैं ये। और ये रहती भी लोनी है, लोनी से आई हैं ये और आज ही आई हैं, क्योंकि कल चली जाएंगी, कल इनकी बुआ आएंगी इनके घर पर, इसलिए ये आज आ गई हैं, है ना भाई। मम्मी भी आई हैं, पापा पापा तो आए थे फिर चले गए, पापा आए थे छोड़ के चले गए हैं। और पापा को ज़रूरी था, मतलब ड्यूटी जाना, उनकी ड्यूटी लेट होती है तो ड्यूटी जाना था, तो छोड़ के चले गए हैं। इसलिए पापा ड्यूटी जाते हैं, सुन लो। हाँ इसके पापा ड्यूटी जाते हैं। सो फ्रेंड्स बस मेहंदी लगाने के लिए हमने बुलाया है, अब मेहंदी लग जाएगी। खड़ी हो जा थोड़ी बहुत बस। सो फ्रेंड्स फाइनली 10:30 बज गए थे, तब जाके मेरी मेहंदी रेडी हुई थी, लगती थी हाथ में। और लगने के बाद ना मतलब डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगाए थे, बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये देखिए अब तो ये काफ़ी झड़ भी गई है, मतलब सूख गई ना, तो सूख सूख के झड़ भी गई है। तो फुल हैंड लगाए मतलब भरे हुए और पीछे की तरफ बेल लगाई थी, बहुत अच्छी मेहंदी लगी थी। हमारी मानसी की मम्मी, अभी मानसी से मिलाया था ना आपको। माई मदर, माई डॉटर, रेनू दीदी से मिलो, रेनू दीदी आई है आज और हम सब।
भारती को भी उठा लिया है नीचे से। ये सो रही थी अच्छी वाली बेचारी, ऐसे चला के हम उठा लाए ऐसे। भाई मैं तो वो कर रही हंसी मजाक, मेरे को बीच में नहीं लीजिए कि आपको पता है। अरे हमारा टीवी चल चुका है, ये कार में टीवी चल रहा है। सारी नोट देखो लड़की ने सही बोला है, मानसी ने बिल्कुल अच्छे से बोला, बढ़िया जो इसने बोला वो तो करते थे। फ्रेंड्स मेहंदी लग गई है ये देखो, और अच्छी खासी लग गई है मेहंदी, बहुत बढ़िया कोमल ने लगाई है मेहंदी, और बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है कोमल लगाती है। उर्वी की भी देख लो भाई, उर्वी की देख लो, मानसी ने लगाई है ये भी देखो। तीज क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी के खेल की रात हो, किसी किसी की शादी हो, हाँ शादी हो जैसे ऐसा लग रहा है, वही वाली फीलिंग आ रही है, खुशी का माहौल है, परिवार एक है और हम बैठे हुए बहुत अच्छा लग रहा है, यादगार लम्हे ऐसी में ज्यादा मिला है। फ्रेंड्स रोहन से मिल लो, रोहन आज चुपचाप बैठा है, इनकी ऑफिस टेस्ट पे लड़ाई वीरू की और रोहन की। नाम बता, नाम बता, पापा का नाम बता, पापा का नाम रात को